रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया कौन है कुंडा का रघुराज और कौन है जनसत्ता का राजा? बात करेंगे आज कुंडा से आने वाले विधायक व जनसत्ता दल के अध्यक्ष रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया। नमस्कार, हम हैं सीके सिंह और आप देखना चालू कर चुके हैं अखंड हिंद न्यूज का खास प्रोग्राम पॉलिटिकल कहानी मेरे यानी सीके की जुबानी। रघुराज प्रताप सिंह यानी राजा भैया ने अपना पहला चुनाव सन 1993 में कुंडा विधानसभा से लड़ा और उस चुनाव में राजा भैया को करीब 89,000 के आसपास वोट मिले थे। उस चुनाव के बाद राजा भैया ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और चुनाव दर चुनाव उनकी जीत के वोटों का अंतर बढ़ता ही है। राजा भैया उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक ऐसा नाम है जिसे चुनाव जीतने के लिए कभी भी किसी राजनीतिक पार्टी या राजनीतिक दल के नाम का सहारा नहीं लेना पड़ा, बल्कि कई बार कुछ अन्य प्रत्याशियों को अपना चुनाव जीतने के लिए राजा भैया के नाम का सहारा जरूर लेना पड़ता है। 2012 के विधानसभा चुनाव में सूबे की सबसे बड़ी निर्दलीय विधायक रघुराज प्रताप सिंह यानी राजा भैया के नाम जो जीत दर्ज हुई, उस चुनाव में राजा भैया को 1,00,000 से ज्यादा वोट और उन्होंने कुंडा से बसपा के प्रत्याशी सुप्रकाश मिश्रा सेनानी को करीब 88,000 वोटों से तगड़ी शिकस्त दी। तभी कुछ ऐसा हुआ कि राजा भैया की जीत का आंकड़ा तोड़ा गया। वो किसने तोड़ा, आगे बताते हैं। रघुराज प्रताप सिंह यानी राजा भैया की सबसे खास बात यह है कि सन 1993 में पहला चुनाव जीतने के बाद उनके जीतने वाले मतों का आंकड़ा बढ़ता ही है, लेकिन विधानसभा 2017 के चुनाव में राजा भैया की सबसे बड़ी जीत के रिकॉर्ड को गाजियाबाद की सहीबाबाद विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी सुनील शर्मा ने तोड़ दिया। भाजपा विधायक सुनील शर्मा की ये रिकॉर्ड जीत सभी के लिए अप्रत्याशित थी, क्योंकि उनके प्रत्याशी बनने के बाद भी उनकी जीत पर सभी को संशय लग रहा था, क्योंकि उनके सामने विपक्ष के रूप में कांग्रेस के तेज तर्रार अमरपाल शर्मा खड़े थे। शायद यही एक कारण रहा कि पार्टी ने सबसे अंत में उनका टिकट सहीबाबाद सीट से फाइनल कर दिया। आपको बताते चलें कि ये वही अमरपाल शर्मा हैं जिन्होंने विधानसभा स्पीकर ने 2012 में सर्वश्रेष्ठ विधायक का पुरस्कार दिया गया था। एक वकील से राजनेता बने सुनील शर्मा ने सारे राजनीतिक अनुपानों को दरकिनार कर करीब 1,50,000 मतों से विधायक अमरपाल शर्मा का किला ध्वस्त करते हुए चुनाव जीत लिया। वहीं सहीबाबाद विधायक सुनील शर्मा 2017 के विधानसभा चुनाव में कुंडा से निर्दलीय विधायक राजा भैया को 1,36,223 वोट मिले, तो उनके प्रतिद्वंदी भाजपा प्रत्याशी जानकी शरण पांडे को 32,870 वोटों से ही संतोष करना पड़ा। यानी राजा भैया की जीत का अंतर 1,03,000 था, तो वहीं गाजियाबाद जनपद की सहीबाबाद सीट से भाजपा प्रत्याशी सुनील शर्मा को 2,62,741 वोट मिले, जो उनके प्रतिद्वंदी कांग्रेस प्रत्याशी अमरपाल शर्मा को मिले 1,12,056 वोटों से 1,50,685 वोट ज्यादा। ऐसे ही दिलचस्प राजनीति के किस्सों को जानने के लिए एएसएन न्यूज को अभी सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं राजनीति की एक नई दिलचस्प कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।